तो चलिए आज हम सीखेंगे कि फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर होता है ना, उसमें कैपेसिटर किस प्रकार लगाया जाता है और कौन से रिले का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से कैपेसिटर के तारों को जोड़ा जाता है। तो बिल्कुल हमने स्टेप बाय स्टेप करके बताया है कि किस प्रकार से कैपेसिटर आप फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर लगते हैं ना, उसमें कैपेसिटर किस प्रकार से लगा सकते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन इसमें होता है कि कैपेसिटर के तारों को कहाँ कहाँ जोड़ा जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं ना कि हमने यहाँ पर रिले बनाया है, जो रिले कैपेसिटर अगर आपको लगाना है तो आपको पीटीसी रिले लेना पड़ेगा। कौन सा होगा? पीटीसी रिले होगा, और उस रिले में तीन पीने होंगी या तो चार पीने होंगी, यानी सप्लाई देने के लिए उस रिले के ऊपर कुछ पीने होंगी, या तो तीन पीने होंगी या तो चार पीने होंगी। देखिए हमारा जो पीटीसी रिले आते हैं ना, एक पिन का आता है, दो पिन का आता है, तीन पिन का आता है और चार पिन का आता है। तो हमें अगर कैपेसिटर लगाना है फ्रिज के अंदर तो हमें तीन या चार पिन वाले रिले का प्रयोग करना ही पड़ेगा, और इसमें से सप्लाई किसी एक पे दिया जाता है और दो से क्या किया जाता है, आउट होता है। यानी रिले के अंदर दो छिद्र बने होते हैं, दोनों से क्या करती है, सप्लाई को आउट किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फ्रिज के अंदर कैपेसिटर किस प्रकार से लगाया जाता है। आज के बाद ये डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको कभी भी डाउट ही नहीं रह जाएगा कैपेसिटर को किस प्रकार से जोड़ेंगे। आराम से देखेंगे इस वीडियो को, ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, तो कैपेसिटर लगाना आपका एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप कैपेसिटर क्या करेंगे, उठाएंगे और आंख मूंद करके क्या करेंगे, इसके अंदर लगा देंगे। सिर्फ सिर्फ आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा रिले उसमें लगा है। उसमें आपको हर हाल में पीटीसी रिले ही लगाना पड़ेगा, जो कि तीन पिन का होगा और चार पिन वाला होगा। लगाने के लिए तो दो ही पिन में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन वो जुगाड़ वाली बात हो जाएगी, तो फ्रिज के अंदर जुगाड़ नहीं चलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कनेक्शन करना काफी आसान होता है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। यहां से जो फेस वाला वायर जाएगा ना, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, रिले के दाहिने साइड में जोड़ेंगे, यानी आपका जो रिले लगा होगा ना, उसके दाहिने साइड में ले जाकर के फेस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी दाहिने साइड का मतलब दाहिने वाली जो पिन होगी, यानी चार पिन है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है रिले में, यानी जो रेड कलर की आपको दिख रहा है ना, ये चार पिन वाला रिले है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो इधर नहीं बाएं साइड में नहीं लगाए, क्योंकि कंप्रेसर में अधिकतर जो दाहिने साइड होता है ना वो रनिंग पॉइंट होता है। आप भी जानते हैं कि हमेशा किसी भी मोटर में रनिंग पॉइंट में क्या किया जाता है, सप्लाई दिया जाता है। स्टार्टिंग में हम सप्लाई नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां से फेस के वायर को हम क्या करेंगे, हमेशा दाहिने वाले में जोड़ेंगे, यानी जो रिले का दाहिना पॉइंट होगा ना, यानी दाहिने वाली साइड जो पिन होगी उसी में ले जाकर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए यहां से हम लेकर जा रहे हैं ना, देखिए यहां से हमारा जो फेस जाएगा वो ले जाकर के रिले के दाहिने वाले हिस्से में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान से देखिए, यहां से जो हमारा मेन लीड का फेस गया वो डायरेक्ट हमारे रिले के दाहिने साइड में चला जाएगा, और हम क्या करेंगे, यहां से जो हमारा न्यूट्रल जाएगा ना, देखिए यहां से जो हमारा न्यूट्रल जाएगा, तो यहां से आप देख रहे हैं ओएलपी लगी हुई है ना, तो हम ले जाकर के न्यूट्रल के किसी एक वायर को ले जाकर के ओएलपी के किसी एक पॉइंट में इन करवा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, यहां से न्यूट्रल को ले जाकर किसी एक पॉइंट में इन करवा दिया, और इससे आउट करवा करके हम क्या करेंगे, कंप्रेसर कॉमन वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, यानी जो कॉमन वाला पिन होगा ना उसी में ले जाकर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद आप देखिए हम कैपेसिटर किस प्रकार से जोड़ते हैं, काफी आसान होता है। यानी जो कैपेसिटर के तार दिख रहे हैं ना, दो तार दिख रहे हैं ना, और रिले में आप देख रहे हैं तो कुछ ऐसे पिने आपको दिखाई दे रही है, तीन पिने बची हुई है ना। देखिए इसमें से कुल कितने पिने बची हुई है, तीन पिने बची हुई है, तो सिर्फ हमें दो पिनों में क्या करना है, कैपेसिटर को जोड़ना है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना। और सिंपल सा तरीका हो, यहां पर देख रहे हैं हमें दो पिनों में जोड़ना है ना, तो एक को तो हम इधर ही जोड़ देंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो दो पिने वो भी खाली होनी चाहिए, यानी जिस भी पिन में हमें कैपेसिटर को जोड़ना है वो दोनों पिने क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसमें लगा हो, यानी इसमें एक तार लगा हुआ है ना, तो उस वाले पिन में हम कैपेसिटर के तार को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो इसीलिए सेपरेट बनाया ही गया है, तो हम उसमें क्यों जोड़ेंगे। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम क्या करेंगे कि जो पिने इसमें खाली रहेंगी ना, यानी दो पिने हमें खाली वाली चाहिए, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे क्या हो, राइट हो। एक तो पिन भर गई है, हमने दाहिने साइड में दे दिया है, तो कैपेसिटर के एक तार को ले जाकर के हम क्या करेंगे, दाहिने साइड में दे देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, कैपेसिटर के एक तार को ले जाकर के दाहिने साइड में दे दिया, और कैपेसिटर के यहां से दूसरे तार को जब उठाएंगे ना, तो या तो इस वाले पिन में जोड़ेंगे या तो इस वाले पिन में जोड़ेंगे, किसी भी एक पिन में आप बाएं साइड वाले में जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, इसके अंदर लग जाएगा। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, ले जाकर के जोड़ दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, दोनों कैपेसिटर के दो तार निकल गए, एक को हमने बाएं वाले पिन में यानी रिले के बाद बाएं वाले में दे दिया, और दूसरे को किस में दे दिया,
दाहिने वाले में दे दिया, यानी बाएं और दाहिने दो ही पीने में हमें देना है, चाहे आप पहले दाएं में जोड़िए चाहे आप बाएं में जोड़िए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी हम इसमें फेस देंगे ना, हमेशा किस पे देंगे, रनिंग वाले पॉइंट पे देंगे, किस पे देंगे, रनिंग वाले पॉइंट में देंगे। तो आप देख रहे हैं सिंपल सा तरीका होता है कि पीटीसी रिले लगा करके और आराम से इन दोनों तारों को इसके अंदर लगा देंगे। और रिले के अंदर ये दो छिद्र होते हैं ना, देखिए ये जो छिद्र होते हैं इनमें से क्या होता है, डायरेक्ट एक पॉइंट कनेक्ट होता है रनिंग वाले से, और दूसरा हमारा कटिंग कनेक्ट होता है किससे, स्टार्टिंग वाले से कनेक्ट होता है, देख रहे ना। यानी ये दोनों छिद्र इसके अंदर होते हैं और फेस वाला वायर हमेशा दाहिने साइड में दिया जाता है, और कैपेसिटर के दो तार निकलते हैं, एक तो रनिंग में दे देते हैं, एक तो स्टार्टिंग में दे देते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो बड़ी आसानी से आप भी सीख गए होंगे कि फ्रिज के अंदर कंप्रेसर के अंदर जो रिले लगता है उनके साथ हम कैपेसिटर को कैसे अटैच कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।